भगवान की भक्ति से ही जीवन को समाधान मिलता है, यह कहना है पंडित संदीप कृष्ण शास्त्री का। विदिशा जिले के गांव जरतोली में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इस कथा के दूसरे दिन कथावाचक पंडित संदीप कृष्ण शास्त्री ने सुखदेव जन्म परीक्षित श्राप और अमर कथा का वर्णन किया। पंडित शास्त्री ने बताया कि भगवान की कथा विचार, वैग्य ज्ञान और हरि से मिलने का मार्ग बताती है। उन्होंने बताया कि राज परीक्षित के कारण भागवत कथा से पृथ्वी के लोगों को पुण्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा व्यास ने कहा कि मनुष्य से गलती हो जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा होने पर समय रहते हुए सुधार और प्रायश्चित जरूरी है, अन्यथा गलती पाप की श्रेणी में आ जाती है। और भगवान की कथा सुनने का अवसर तभी प्राप्त होता है। यह मनुष्य का शरीर पांच प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरथ ते अति अदम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचते अति अधम शरीरा। क्षिति क्षिति कहते हैं धरती को, जल पावक कहते हैं अग्नि को। कथा व्यास ने पांडवों के जीवन में होने वाली श्री कृष्ण की कृपा को बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया। उन्होंने कहा कि परीक्षित कलयुग के प्रभाव के कारण ऋषि से श्रापित हो जाते हैं, जिसके पश्चात ताप में वह सुखदेव जी के पास जाते हैं। उन्होंने बताया कि भक्ति एक ऐसा उत्तम निवेश है जो जीवन में परेशानियों का उत्तम समाधान देती है और जीवन के बाद मोक्ष भी सुनिश्चित करती है। अच्छे संस्कार और चरित्र से व्यक्ति यह लोक का सुख भोग कर वैकुंठ की प्राप्ति करता है और उसको लोक परलोक भी प्राप्त होता है। कथा के दौरान कथा व्यास पंडित संदीप कृष्ण शास्त्री का स्वागत करते हुए भाजपा नेता अरुण सहेले, पदम सिंह ठाकुर, नेता राम साहू, प्रेम सिंह ठाकुर आदि ने उनका बैठकर स्वागत किया। विदिशा पठारी से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।